एक औरत की फिल्म है, मेरे अपने आप से कई सवाल उठाती है। एक बांस जिसे कहा गया है, जो बेटियों को ख़त्म कर चुके, जो ससुर का तकलीफ सह रही है, एक एनजीओ के जरिए गांव में जा गई है, जो गांव में एक औरत है जो दो बेटियों के बाद तीसरी बेटी खो जाती है। मतलब अलग अलग स्तर पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में चाहे ऊपरी जात हो, चाहे रिच हो, चाहे शहरी हो, चाहे ग्रामीण हो, हर किस्म की औरत के साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसके बारे में ये बात करने वाली, उसको खुलकर एक स्टोरी के जरिए लोगों के सामने रखने वाली ये फिल्म है। इसलिए इसमें सबसे अहम चीज़ है कि औरतें इसका ज़्यादा ऑडियंस रहेगी, उनको अपनी कहानी लगेगी। सोशली डिवोटेड फिल्म है, बट इसमें म्यूज़िक का बहुत ही बड़ा हाथ है। नॉर्मली तो हम अक्सर ऊपर ऊपर से कहते हैं कि हर फिल्म में गाने कहानी को आगे बढ़ाते हैं, बट इस फिल्म में जो गाने हैं वो वाकई कहानी का एक अटूट हिस्सा है। जी, मैंने बेटी बचाओ आंदोलन के लिए बहुत सारा काम किया है चंडीगढ़ में, और मैंने काफ़ी हद तक दर्द समझा है उस माँ का जिसका बच्चा उसके पेट में ही मार दिया जाता है। तो आज जब उसको लेके एक मूवी बन रही है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी डिलाइटेड। इनफैक्ट मैं इतनी दूर से 5 घंटे ड्राइव करके यहाँ शायद इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं इस कॉज को समझ सकती हूँ, मैंने बहुत डीपली समझा है इस कॉज को। एंड आई एम ग्लैड कि इन्होंने सिनेमा का माध्यम लेके इस कॉज को और बड़ा बनाया है, यू नो, और लोगों को जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं इतना उन्हें पता नहीं है कि गांव में कितनी हद तक ये होता है, तो उसे ये बड़े पर्दे पे लाए हैं। अब सबको और जानकारी मिलेगी इसके बारे में, और मेरे ख्याल से इसकी वजह से और लोग जुट जाएंगे इस कॉज के लिए और इसे और मोमेंटम मिल जाएगा।